الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, हज़रात व ख़वातीन, बंदा इस वक्त दिल्ली के सफ़र पर है और ये बहुत ही कम वक्त का सफ़र रहा मेरा, लेकिन माशाल्लाह इस कम वक्त के सफ़र में हमारे हज़रात की तरफ से, अहबाब की तरफ से बहुत सी मोहब्बतों का मुजाहरा हुआ। हमारे करम फरमा बुज़ुर्ग दोस्त, नौजवान आलिम दीन, इंतहाई फ़ाल और मुतहर्रिक आलिम दीन, हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद अरशद ख़ान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का मुझे हुक्म हुआ कि मैं चंद बातें उनके चैनल के हवाले से और उनके चैनल पर इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू आप हजरात से करूं। उनके हुक्म की तामील में और तामील हुक्म की बिना पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। चंद मिनट इंशाअल्लाह दो तीन गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जो ये मुस्लिम सोसाइटी है और जो मुस्लिम उम्मा है, ये कई तरह से इस वक्त जवाल का शिकार है और हमारे माशरे में कई खराबियां जन्म ले रही हैं और कई बुराइयां पैदा होती जा रही हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। गोया यूं कहना पड़ रहा है कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। जैसे जैसे इसके असबाब और इलाज तलाश किए जा रहे हैं, इसकी वजूहात और इन अमराज के हल की कोशिशें की जा रही हैं, उस तरीके से उतना ही मर्ज बढ़ता जा रहा है। अब देखें, हम चंद अमराज का शिकार हैं जो इंतहाई खतरनाक है हमारे लिए। उनमें से चंद बातों का तज़किरा होता रहता है, होता रहना चाहिए, और जाहिर है कि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, जब मोमिन के सामने किसी बात का, नसीहत की बात का जिक्र होता है तो कहते कहते और सुनते सुनते वो नफा बख्श बन जाती है वो बातें। जो बुनियादी तौर पे जो वजूहात इस उम्मत के जवाल की मालूम होती हैं, उनमें एक वजह ये मालूम होती है कि हम आपसी रंजिशों का और आपसी खलफिशार का और आपसी इंतशार का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। ये माशरा उस वक्त तक पनप नहीं सकता और एक सालेह माशरे का वजूद और एक बेहतरीन सोसाइटी उस वक्त क्रिएट नहीं हो सकती जब तक कि हम इस सोसाइटी में हर आदमी अपनी एक ज़रूरत समझे और एक अपना एक फ़र्ज़ समझे, और वो ये समझे कि मैं इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िम्मेदार फ़र्द हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ समझने की हद तक है, बल्कि ये उसूली बात है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान भी फरमाया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है उससे अपनी राइयत के मुताल्लिक और मुताबिक सवाल किया जाएगा। तो अब हम ये सोचते हैं कि जनाब हम तो इस माशरे में कुछ भी किरदार अदा नहीं कर सकते और जो आग लगी पड़ी है माशरे में इसको हम दूर नहीं कर सकते, ये गलत बात है। अगर बूंद बूंद और कतरे कतरे से दरिया बन सकता है तो छोटी छोटी मेहनतों से सालेह माशरा और बेहतरीन सोसाइटी का क्रिएशन हो सकता है और तख्लीक हो सकती है, लेकिन हम ये चीज़ शायद चाहते नहीं हैं। हमारे यहाँ जिस चीज़ की कमी है वो ये कमी है कि मिसाल के तौर पे सोसाइटी के अंदर कोई किसी से कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, हम उसकी गलतियों को हाईलाइट करने पे लग जाते हैं और पूरी सोसाइटी उन गलतियों को हाईलाइट करने लग जाती है, और उसके बाद ये होता है कि गलतियाँ पकड़कर उन गलतियों की इसलाह की कोशिश नहीं की जाती, सुधारने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उसके बारे में बातें करके और नेगेटिव पब्लिसिटी करके
उसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है, और प्रोपेगेंडा बना देने के बाद फिर माशरे में उस आदमी को ऐसा बताया जाता है गोया ये सोसाइटी के लिए नासूर है। तो ये जो इंतशार का जो मिजाज है हमारा, ये मन शज्जा शुद्धा फिन्नार, इस उम्मत के अंदर जो कोई इंतशार बरपा करेगा, जहां उम्मत की इज्तिमाइयत को और यूनिटी को और एकता और इत्तेहाद को नुकसान हो रहा है, वहां सबसे बेहतर कदम है कि अपनी जबान को खामोश करें। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि हम ऐब छुपाना नहीं जानते। दुनिया में और पूरी इस रूए जमीन पर, इंसानियत में और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके अंदर ऐब ना हो अंबिया के अलावा, और कोई कमी और खामी ना हो। लेकिन हमारा मिजाज ये है कि हम ऐब छुपाना नहीं जानते, हम ऐबों को, कमियों को, नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करना जानते हैं, उसको प्रमोट करना जानते हैं, प्रोपेगेंडा बनाना जानते हैं, लेकिन उनको छुपाना नहीं जानते और उनकी इस्लाह की कोशिशें हमें नहीं आती। ये बहुत बड़ा मर्ज है, ये ऐसा मर्ज है और ऐसी कॉमन ये बीमारी है कि जो हर किसी के अंदर आ चुकी है। अच्छा, ये बास बीमारियां वो होती हैं जो आम बंदों में होती हैं, बास खास बंदों में होती हैं। कुछ बीमारियां खास में ज्यादा होती हैं, कुछ बीमारियां आम बंदों में ज्यादा होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो नेगेटिविटी आई है और जो मनफी रवैया आया है और मनफी सोच जो पैदा हो गई है, इस चीज ने माशरे को, सोसाइटी की बुनियादों को बिल्कुल खोखला करके रख दिया है। तो इस वजह से मुस्बत रवैया जहां होगा और मनफी रवैया जहां होगा, तो मुस्बत जीत जाएगा और मनफी रवैया हार जाएगा। और मुस्बत रवैया ये आपकी शख्सियत को और पर्सनालिटी को चार चांद लगा देता है। हर बंदा आज अपने आप में ना एक नेगेटिविटी का शिकार है, अपने बारे में भी उसको कुछ तजब्जुब है, दूसरों के बारे में भी वो तजब्जुब है, ना वो अपनी जात से मुतमईन है ना दूसरों के कामों और जात से मुतमईन है। तो ये जो इंतशार का जो मिजाज है ना, जाती इंतशार, खानदानी इंतशार, जमातों, तंजीमों, एनजीओज, तहरीकों का इंतशार, ये इस चीज ने बिल्कुल एक ऐसी नफ्सियाती मरीज बनाकर रख दिया है और साइकोलॉजिकल बिल्कुल बीमार बनाकर रख दिया है। ऐसी बीमारी जिसका हल कोई नहीं है। और हर आदमी असल में मुसीबत ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी कि अना अना वला गैरी, मैं और बस, आई एंड आई, मैं और मैं बस, मी एंड मी, सिर्फ मैं और मैं, मुझे देखो, मुझे पूछो, मुझे जानो, मुझे समझो, मेरी बात सुनो, मेरी मानो। ये जो रवैया आया है ये इंतहाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के, सहाबा के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ रवैया ही जी, बिल्कुल खिलाफ रवैया ही। तो इस वजह से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में जो ये नेगेटिविटी और ये मनफी रवैया और ये जो इंतशार का मिजाज, इसको कम करना चाहिए। देखें, दुनिया के अंदर ना किसी इंसान का किसी से मिजाज मिलेगा, ना उसकी सिफात मिलेंगी, ना ये जरूरी है कि आप जो कहते हो वो उसको उस बात की तस्दीक कर दे और तायीद कर दे। तो इन रवैयों के साथ और इसी मिजाज के साथ गुलशन के फूलों की खुशबुएं अलग अलग होती हैं और इंसान उससे नफा उठाता है। और कारखाने कुदरत में हर तरह के लोग, हर मिजाज के लोग, हर ख्याल का बंदा, हर फिक्र का इंसान आपको मिलेगा। इसी माशरे की कश्ती में सवार होकर सबको चलना है। अगर हमने किसी को निकाल कर फेंकने की कोशिश की तो कश्ती डूब जाएगी। एक तो हमें यह कि इस्लाह का तरीका नहीं आता। इस्लाह माशरा के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इस्लाह माशरा किया कैसे जाए। पहले अपनी जात है, माशरा मैं हूं, समाज मैं हूं, सोसाइटी मैं हूं, मेरे जरिए से ये सोसाइटी, ये माशरा, ये तहजीब, ये कल्चर, ये क्रिएट होती है। अगर मैं ना बदलने की कोशिश करूं और मैंने सारे जमाने को बदलने की फिक्रें कर ली हैं, तो ये बहुत ही बड़ा मर्ज है और ये बहुत बड़ा ऐब है जिसको हम शायद ऐब नहीं समझते। इस बात को हम ऐब नहीं समझते कि मैं नहीं बदल रहा हूं, मेरे मिजाज में तब्दीली नहीं आ रही, मेरे रवैये में तब्दीली नहीं आ रही, मैं लोगों से मुलाकात पर मुस्कुरा नहीं सकता, मेरा हाल ये है कि मैं बर्बादी की तरफ जा रहा हूं, गुनाहों का खोट मेरे दिल से नहीं निकल रहा, तन्हाइयों के गुनाह हमें परेशान कर रहे हैं और सारा का सारा ऐब हमारे अंदर भरा पड़ा है, लेकिन हम उसकी फिक्र छोड़ के सारे मोहल्ले की फिक्र कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े नुकसान की बात है। इस्लाह माशरा के लिए सबसे जरूरी बात ये मैं सुधर जाऊं। इसीलिए फरमाया है किसी कहने वाले ने कि मिजाज दोस्ता बदला, निगाह अकरबा बदली, तुम्हें क्या बदले कि सारा जहां बदला, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।
तू इधर उधर की न बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा, तू इधर उधर की न बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। जब तक हम नहीं बदल रहे हम कह रहे हैं जी क्या बताएं माशरा नहीं सुधर रहा। तो फरमाया कि इस उम्मत की इस्लाह वहीं से होगी जहां से इस उम्मत के पहलों की इस्लाह हुई थी। हमें तो 1400 साल पहले देखना पड़ेगा, लेकिन हम सहाबा के ज़माने को छोड़ के हम तरक्याती चीज़ों को सोच रहे हैं कि जी जनाब तरक्की ये है कि वो कैसर और किसरा के कंगन मिल गए थे सहाबा को। हमें जब तक फतूहात नहीं मिलती हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी अखलाकी जो जवाल है, जो कैरेक्टर जो लेस हो चुके हैं हम, जो कैरेक्टर का जवाल है कि आपसी भाईचारा और आपसी इंतशार और क्या कहते हैं उसको खानदानी जिंदगी मैरिड लाइफ तबाह हो गई, इज़दवाजी जिंदगी तबाह हो गई, बाप बेटे का ताल्लुक तबाह हो गया, माशरती जिंदगी तबाह हो गई, मामलात हमें मालूम नहीं, अखलाकियात का जनाजा निकला पड़ा है। क्यों? फर्द बदलना नहीं चाहता, फर्द बदलना नहीं चाहता और हम इज्तिमाई इस्लाह की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि ये जमाना यूं मालूम होता है कि फर्द फर्द की इस्लाह का जमाना है। पर्सनली और इंडिविजुअल लेवल पर यहां एक एक को पकड़ पकड़ के बताना पड़ेगा और बैठ बैठ कर समझाना पड़ेगा आपके राइट्स ये हैं, आपके हुकूक ये हैं, आपकी बीवी के हुकूक ये हैं, मर्द को ये मालूम हो कि मेरे क्या हुकूक हैं, बीवी को मालूम हो कि मेरे क्या हुकूक हैं। ऐसे वजूद में आएगा सालेह माशरा, बेहतरीन सोसाइटी, और ऐसे वजूद में आएगा वो माशरा और वो समाज जो मदीने का माशरा और मदीने का समाज था। हम मदीने की सोसाइटी की तरफ नजर नहीं रख रहे हैं, हम अरब कल्चर पे नजर रख रहे हैं। एक अजीब बात है कि दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मदीने की सोसाइटी को क्रिएट किया था, उनकी जो उनके जो तरक्की की जो सबसे बड़ी वजह थी और उनके डेवलपमेंट का जो राज था, वो ऐसे लोग जिन्हें बकरियां चलाना भी नहीं आता, जिन्हें कपड़ों का सलीका नहीं, जो कपड़े पहनना नहीं जानते, वो 10 साल और 23 साल के थोड़े से टाइम में, शॉर्ट टाइम के अंदर इस तरीके से दुनिया को डेवलपमेंट और तरक्की का राज उन्होंने कैसे दे दिया था। उन्होंने वयुसिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वो अपनी जानों पर एक दूसरे को तरजीह देने लगे थे। जब तक प्रायोरिटी देने का मिजाज नहीं आएगा कि ये मुझसे बेहतर हैं, ये मेरे भाई हैं, और इनके बारे में, इंसानियत के बारे में और पूरी की पूरी मानवता के बारे में, पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में और पूरी की पूरी इंसानियत के बारे में और आलम इंसानी में जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बारे में एक हमदर्द दिल नहीं बनेगा और उसको ये ख्याल नहीं होगा ये मेरा भाई है, मुझसे बेहतर है और ये हमारे भाई हैं और ये इंसान हैं और इंसानों के साथ हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। सहाबा के अंदर ये सिफात पनप गई थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया का नक्शा उन्होंने चंद सालों में बदल के रख दिया था। हमारा हाल ये कि हमारा दिल हमदर्दियों से, मोहब्बतों से खाली हो गया है। खुदा की कसम हर दूसरे आदमी का दिल नफरतों का आदि बन चुका है और नफरतों का गहवारा बन चुका है। ऐसे मेरे दोस्तों अजीजों साले माशरे की तवक्को नहीं की जा सकती। फिर भी एक बात है कि जो खिदमतें जो मेहनतें हो रही हैं, उम्मीद है कि धीरे धीरे इंशाल्लाह इनकलाब आएगा और एक रिवॉल्यूशन आएगा और खुसूसन हमारे जवान इस बात को समझे कि जो टाइम चल रहा है ये टाइम, ये मुस्लिम उम्मा की रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए इकदाम हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए इकदाम हैं और ये वो जमाना है कि जब हम साइंस और ये इल्म हिकमत का जमाना है, नॉलेज और ये लॉजिक का जमाना है। अगर आप दो चीजों में पीछे हैं तो अगर आप सिर्फ बहुत अच्छे बन जाएं, कैरेक्टर बहुत अच्छा हो जाए, आपके माशरे को सालेह माशरा नहीं कहा जा सकता। तो तरक्की और डेवलपमेंट के लिए दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। बस ये चंद गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमारी इस्लाह फरमाए और हमारे माशरे की इस्लाह फरमाए और जो ये अमराज हैं जो खतरनाक हैं, अल्लाह ताला इन सबसे हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे माशरे को इनसे पाक फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।